हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जी हां, जिसका ए आर ओ रोहतक पड़ता है, ठीक है ना, जिसका ARO रोहतक पड़ता है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देखिए 12 दिसंबर से ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन क्या कर दिया गया, 25 जनवरी लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की 25 जनवरी लास्ट डेट है। तो 25 जनवरी आज है, 16 जनवरी आप 25 दिन में लगभग 8 दिन, ठीक है ना, अभी 8 दिन आपके पास हैं, 8 से 9 दिन आपके पास हैं, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब बात करेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के रोहतक जो रोहतक ARO पड़ता है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत वो अपना फेल कर सकते हैं। देखिए जिसका ARO रोहतक पड़ता है, याद रखना, जिसका ARO डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, तो यहाँ सिंपली कह रहा है वो ही बंदे मेल कैंडिडेट के लिए, याद रखना, मेल कैंडिडेट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, जो मेल पुरुष हैं उनके लिए वैकेंसी निकली गई है, वो कह रहा है रोहतक में। देखिए रेस भी आपकी फरवरी में है, रेस फरवरी में, याद रखना, रोहतक के कर सकते हैं। और आपके साथ में जो देखिए यहाँ बात करने वाला झाझर के हैं, झाझर, ठीक है, झाझर के जो डिस्ट्रिक्ट के युवाएं हैं या सोनीपत और पानीपत के युवाएं हैं वो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। जी हाँ, वो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। और बात करने वाले हैं, देखिए मैंने आपसे पहले भी कह सकूँ कि 12 दिसंबर से ऑनलाइन हो रहे हैं और 25 जनवरी तक ऑनलाइन होंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा, यार एडमिट कार्ड की बात करूँ तो यहाँ सिंपली लिखा है एडमिट कार्ड फॉर द रेली भर्ती विल बी सेंड तो रजिस्ट्रेशन एंड ईमेल, जो आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी करेंगे उस पे आपको वो भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है वो आपको कब भेजा जाएगा, वो मतलब कि 26 जनवरी के बाद भेजा जाएगा। जी हाँ, 26 जनवरी के बाद आपको भेजा जाएगा। उसके बाद में कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि 10 फरवरी से, कह रहा है देखिए फॉर 10 फरवरी टू 20, देखिए 10 फरवरी से 12 फरवरी तक पहुंच रहा है, मतलब कि 10 से 20 फरवरी के बीच में आपकी रेस हो जाएगी। वो कहाँ होगी, एट राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक में होगी। तो याद रखना, जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना, हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है, तो कौन सी, राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपकी क्या होगी, वहाँ रेस होगी, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना। आपको इतनी बात तो बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी कि कब से कब ऑनलाइन और 26 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड और बस 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपकी रेस हो जाएगी। रेस कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने जो कहा है ना, आर्मी में क्या खा के दौड़ना है, दवाई खा के, मैंने कहा था कौन कौन सी मेडिसिन खा, पैरों में दर्द हो रहा है तो इस मेडिसिन से दवाई वो खत्म हो जाती है। और एक बहुत जल्दी मैं एक पैकेट बताने वाला हूँ, एक पाउडर का पैकेट है, वो 2 से 3 घंटे पहले, देखिए वो 1 घंटे पहले खा लेना, दौड़ के, दौड़ समझ लो कि 1 घंटे बाद होने वाली है, हमारा नंबर आने वाला है, तो वो पैकेट खा लेना, पानी में घोल के पी लेना, सच बता रहा हूँ, हवा के वाके दौड़ोगे, हवा की तरह दौड़ोगे, कभी पैर भी नहीं थकेंगे, कहोगे कि हाँ पता नहीं कितनी जान आ गई, घोड़ा दौड़ता है ना, घोड़ा दौड़ता है वैसे दौड़ोगे, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो खुद यूज़ किया है, तो इसलिए बता रहा हूँ यार, जो बंदा यूज़ कर लेता है उसकी बात करने वाला। यहाँ देखिए बात करने वाला हूँ, यहाँ देखिए जनरल ड्यूटी GD वालों के लिए है, वैकेंसी निकली हुई है, 170 सेंटीमीटर मांगा है, 162 सेंटीमीटर मांगा है, देख लीजिए क्लर्क के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए टेक्निकल आ गया, शोल्डर टेक्निकल, और उसके बाद बस इतनी 3 ही वैकेंसी निकली गई हैं। और यहाँ देखिए इंडियन, सबने देख सकते हैं कि कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, हाइट और चेस्ट की बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सारी की सारी नोटिफिकेशन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारी वीडियो का, आप वहाँ से नोटिफिकेशन जानकारी ले सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत है हमें बताइए, कॉमेंट करिए, हम शेयर करेंगे आपको वो सारी, एक्चुअली शेयर वो ही करेंगे हम जो आपसे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए सारे के सारे कह रहा है कि इतने मिनट में करोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, और 10 पुश मारते हैं 40, मतलब कि पुलअप मारते हैं, मतलब कि ऊपर जो डंडा होता है ना लगा, वो इस प्रकार से डंडा होता है, ऊपर से इसे मतलब कि पकड़ के और ऊपर करते हैं, यदि आप 10 मारते तो 40 नंबर मिल जाते हैं, 9 मारते 33 नंबर, 8 मारते 27 नंबर, 7 मारते 21 नंबर, और 6 मारते 16 नंबर, याद कर लेना। और 5 मारे और 5 के बाद गिर गए तो समझ लो तुम गिर गए, वहीं गिर पड़े, ये समझ लेना, ये क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है ना, फिजिकल क्वालिफाई कर दो, उसके बाद देख लेंगे। मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल तो आप जानते ही हैं, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, ठीक है ना, फाइड एंड फॉरडेट कह रहा है 5 दिन बाद आपका मेडिकल कर दिया जाएगा, यहाँ कह रहा है सिंपली सब कुछ कह रहा है ऑन 5 डेज, तो कह रहा है 5 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा कह रहा है, ठीक है ना, मेडिकल स्टेट में कह रहा है, सब कुछ बता रहा है, 5 दिन बाद आपकी मेडिकल करा दूंगा, उसके बाद में एडमिट कार्ड मिल जाएंगे मेडिकल वाले, उसको सब कुछ मिल जाएगा, और फिर उसके बाद एग्जाम की डेट आई, बहुत जल्दी फटाफट होने वाला है ये सब काम, ठीक है ना। तो अभी तक आपने ये नहीं किया है डाउनलोड तो फटाफट, एक्चुअली अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी ये वाली जो यहाँ पर आपको joinindianarmy.nice.in पर जाकर ही आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, सारी कोशिश करूँगा कि आपको सारा अच्छा करके बता सकूँ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर, थैंक यू।